आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। छपरा बजरंग दल के संयोजक राहुल मेहता ने भी छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसकी शुरुआत पंचवटी हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर किया है। छपरा विधानसभा क्षेत्र की नारकीय स्थिति को सुधारने एवं जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए बजरंग दल के संयोजक राहुल मेहता ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बताते चले कि छपरा शहर की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। चाहे सड़क जाम की समस्या हो या जल जमाव की या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, कमोबेश स्थिति बदतर हो गई है। समस्याओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे छपरा जनप्रतिनिधि विहीन हो गया है। उन्होंने स्पष्ट लहजों में बड़ी बात कह दी कि जो नेता जनता का काम करने के वादे को भूल जाते हैं, वैसे नेताओं को जनता अब नहीं झेलेगी। जनता को परेशानियों के दलदल में धकेलने वाले नेताओं की इस बार चुटी है। ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान से दूर रहना चाहिए जिन्होंने विकास के नाम पर जनता को ठगा है। इन सभी समस्याओं को अपना मुद्दा बनाते हुए इस बार राहुल मेहता ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आप चुनाव लड़ रहे हैं बिहार विधानसभा, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से लड़ रहे हैं? अरे, पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी अपना आवेदन दिया है और क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर छपरा की जो स्थिति खराब है, सफाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम फेल है, पूरी सिस्टम जो है वो तहस नहस है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं छपरा विधानसभा से, जिस तरह बजरंग दल और आरएसएस का मैंने काम किया 25 वर्षों तक, उसी तरह छपरा की जनता का सेवा करके एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। क्या लगता है अगर भाजपा को टिकट नहीं देती है तब? भाजपा टिकट नहीं देगी तो फिर अपने जो बजरंग दल की टीम है, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, उनसे एक बार बात विचार करके और जो निर्णय होगा वो हम लोग करने का फिर प्रयास करेंगे।